मुल्क की आज़ादी के 66 साल बाद आज भी खड़ा एक सवाल, मुस्लिम कौम तरक्की और खुशहाली में इतनी पीछे क्यों? क्यों मुल्क की 20% आबादी को तालीम, तरक्की और तरफदारी से रखा गया महरूम? आखिर क्यों मुसलमानों को अपने ही मुल्क में एक खास दायरे में कर दिया गया कैद? राजनीतिक परिपेक्ष में मुसलमान जो है एक वोट के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती थी, वो ना उसको इंसान मानती थी, ना हिंदुस्तानी मानती थी, ना मुसलमान मानती थी। इन तीनों से हटकर वो उनको ज़्यादा वोट मांगती थी। खुद को सेकुलर कहने वाली मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करती रही हैं। अपने चुनावी वायदों में मुस्लिमों को ख्वाब दिखाती रही। अभी तक आज़ादी के बाद से मुसलमान हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन कांग्रेस के जितने भी हुकूमतें आई उन्होंने मुस्लिम समाज का विकास किया ही नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के मत लेने के लिए उसका हमेशा शोषण किया है। कांग्रेस आज भी मुसलमानों की बेहतरी के तमाम दावे करती फिर रही है, फिर क्यों मुस्लिम कौम हाशिए पर खड़ी है? क्यों मुसलमानों के हालात मुल्क में सबसे खराब हैं? मुस्लिम कौम की बदहाली और बर्बादी के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? वे सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती हैं और उनका इस्तेमाल सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए करना चाहती हैं? खास तौर से मुसलमानों को मोदी जी के नाम से भयभीत किया जा रहा है। गुजरात को लेकर के अपोजिशन पार्टियां जो मुसलमानों को लेकर के पूरे गुजरात को और गुजरात के दंगों को लेकर के पूरे देश में जो गलत विचारधारा और गलत सोच फैला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और गुजरात में अच्छा माहौल है, जिन लोगों को अगर इस बात पे शक है वो आकर गुजरात में देखें कि गुजरात में मुसलमान किस हालत में है, कि कैसी पोजिशन में है और किस खुशहाली में रह रहे हैं। या फिर वे मुस्लिम लीडरान भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने चंद अहदों के लिए अपनी ही कौम को किसी खास सियासी पार्टी का गुलाम बना दिया? या फिर मुस्लिम कौम ही जिम्मेदार है जो मजहबी नारों और छलावों में उलझ कर रह जाती है?